Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel and also click the bell icon. Okay friends, so today we start with octahedral substitution reaction in octahedral complexes. Okay friends, so substitution in octahedral complexes, before studying, metals किस टाइप से डिवाइड होते हैं और HSAB का प्रिंसिपल कहां से आता है. ओके फ्रेंड्स, तो मेटल मेटल क्लासिफाइड किए जाते हैं थ्री टाइप्स में. ओके फ्रेंड्स, तो पहला हो गया क्लास ए मेटल आयंस, ठीक है, क्लास ए मेटल्स हो गया, और दूसरा हो गया क्लास बी मेटल्स, और तीसरा हो गया बॉर्डरलाइन एलिमेंट, बॉर्डरलाइन मेटल्स. ओके फ्रेंड्स, तो जो क्लास ए मेटल्स हो गया वो जितने भी एल्कली हो गया, एल्कलाइन अर्थ हो गया, एल्कली मेटल हो गया, जैसे एस ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सोडियम हो गया. ओके फ्रेंड्स, लिथियम सोडियम, ठीक है फ्रेंड्स, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ना 3D एलिमेंट्स की, तो 3D एलिमेंट्स और वो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वाले जितने भी मेटल्स होंगे वो आपके आएंगे क्लास ए मेटल्स में. ओके फ्रेंड्स, तो ऑल एल्कली मेटल्स और जो +3 इन ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हार्ड एसिड कहे जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स की, तो फ्रेंड्स क्या होंगे, अब ये दीज मेटल्स आर फॉर्मड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इज एज फॉलोस. तो क्या होंगे, ये जो अब ये हार्ड एसिड हो गए तो मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो साइज छोटा होगा, तो ये क्या होंगे, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि जिनका एनायन का साइज कम होगा. ओके फ्रेंड्स, तो इनका क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर कि फ्लोरीन माइनस की होगी और क्लोरीन माइनस की होगी और ब्रोमीन माइनस की होगी और आयोडीन माइनस की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिनका साइज कम होगा एनायंस में, जैसे फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस. ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड आता है क्लास बी मेटल आयंस. ठीक है फ्रेंड्स, क्लास बी मेटल आयंस को सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास बी मेटल आयंस में क्या होगा, Cu हो गया, ओके फ्रेंड्स, Ag+ हो गया, Au+ हो गया, Hg+ हो गया, Hg2+ हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या हो गया, इनका मतलब साइज बड़ा हो गया, तो ये साइज बड़ा हो तो दीज मेटल आयंस फॉर्म्ड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस थ्रू मतलब जिन एनायन का साइज बड़ा होगा, तो इसका क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा, आई माइनस हो गया, बी आर माइनस हो गया, सी एल माइनस हो गया, एफ फ्लोरीन माइनस. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, सॉफ्ट मेटल्स हो गए. ओके फ्रेंड्स, तो ये सॉफ्ट मेटल हो गए और ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाएंगे जिनका साइज बड़ा होगा एनायंस का स्पेशली. ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड आता है बॉर्डरलाइन मेटल्स. बॉर्डरलाइन मेटल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि आपका जो बॉर्डरलाइन होंगे, कि जो थर्ड सीरीज है उसमें मैग्नीज से स्टार्ट हो गया, कि Mn+2, आपका Fe+2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और कोबाल्ट प्लस टू हो गया. ओके फ्रेंड्स, Cu+2 हो गया और Zn+2 हो गया, ये मेटल्स हो गए और इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आती है इरविंग विलियमसन सीरीज. ठीक है फ्रेंड्स, आपको अब ये इरविंग विलियमसन सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी. ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, जो सेकंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक में, तो बेरियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, तो ये उल्टा क्रम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, फिर क्या आता है फ्रेंड्स, आपका फिर सेकंड वाला मैग्नीज Mn+2, ठीक है, फिर Fe+2 हो गया, कोबाल्ट प्लस टू हो गया, और कॉपर प्लस टू हो गया, और जिंक. तो ये बढ़ता हुआ क्रम है इरविन विलियमसन सीरीज के अकॉर्डिंग, ये इनकी ऑर्डर की स्टेबिलिटी होगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, Mn+2 में बस बॉर्डरलाइन में ये डिफरेंस होता है, बॉर्डरलाइन और क्लास ए मेटल आयंस में ये Mn+2 में हो जाता है, और इसमें क्या हो जाते हैं कि पहली रो मतलब 3D ट्रांजिशन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है. ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो ये है कॉपर प्लस टू का हाई मतलब स्टेबिलिटी हाई क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग जोन टेलर डिस्टॉर्शन लग जाता है, जो D9 कॉम्प्लेक्स बनता है ना उसका D9, तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन DZ, एक इलेक्ट्रॉन DZ स्क्वायर में चले जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर में चले जाते हैं, तो फिर स्प्लिटिंग होती है, जो आगे फर्दर स्प्लिटिंग होती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो आपको ये तो पता ही है कि एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके फ्रेंड्स, तो इसकी ये ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इरविन विलियमसन सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी स्टेबिलिटी चेक होगी बॉर्डरलाइन एलिमेंट, बॉर्डरलाइन मेटल्स की. ठीक है फ्रेंड्स, ये मेटल का कॉन्सेप्ट समझाना था कि मेटल्स कितने टाइप्स के से क्लासिफाई कर सकते हैं. अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अब ये दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Mn, Mn6 हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, Mn6 हो गया,
प्लस मेटल है, अगर कोई मेटल आ रहा है तो एम एम डैश हो गया, L6+M बाहर निकल जाएगा। तो अगर इसका ये ड्रॉ करते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए ML6 हो गया प्लस एम डैश हो गया, तो इट गिव्स ML M-L, मतलब ऐसा होना चाहिए, बट एग्जैक्टली में क्या होता है नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसमें ना मतलब M बॉन्ड मतलब M-L6 बॉन्ड मतलब रिएक्शन पॉसिबल कराने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एक तो हाई एनर्जी रिक्वायर होगी, क्यों क्यों हाई एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि इसमें 6 ML बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं अगर दूसरी रिएक्शन पे आता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका ML5 हो गया एक्स है, इसमें एक्स कोई लिविंग ग्रुप हो गया, N+ हो गया, प्लस वाई नेगेटिव कोई लिगेंड आ रहा है कूदता हुआ, तो क्या होगा वो एक्स को रिमूव कर देगा और वाई जाकर खुद लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या होता है ये, अब पहली बात ये यहां से एक बात पता लगेगी कि ESR तो होगी नहीं, क्योंकि 6 ML बॉन्ड को तोड़ने में बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर होगी, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतनी बात समझ आती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होती है, 3 टाइप्स की मैकेनिज्म फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, पहली टाइप की होगी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, सेकंड टाइप की एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, और थर्ड टाइप होता है इंटरचेंज, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव इंटरचेंज। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डिसोसिएटिव हो गया यानी पहले लिगेंड निकल चुका होगा, फिर दूसरा लिगेंड नेक्स्ट स्टेप में आया होगा, तो इसका मतलब ये हो गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म यानी SN1 मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो SN1 हो गई है, तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ML5XN+-। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसका मतलब लिगेंड पहले निकल चुका होगा तो एक्स माइनस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्स माइनस हुआ तो ये यहां से निकल गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने, ML5 बना दिया। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, पहला क्या होगा स्लो स्टेप होगा, तो एक्स का निकलना स्लो स्टेप, तो यही क्या हो गया, यही वाला स्टेप RDS हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ML5 ये क्या हो गया प्लस हो गया, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी, या तो TBP स्ट्रक्चर होगा या स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, मेनली TBP इन जनरल TBP स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर पिरामिडल रेयर केस में होता है जब आपका पाई डोनर लिगेंड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम इन जनरल TBP स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब जो वाई प्लस है वो कूदता हुआ आएगा और यहां लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला कौन सा, ये वाला जो स्टेप हो गया ये फास्ट स्टेप हो गया, तो हम जानते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, तो अगर मैं इसका आर रेट लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके ML5X के हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको और बड़ा और करके लिखता हूं और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R=K। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ML5 और X हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से ये पता लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर दी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसको SN1 मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब दूसरी टाइप की कौन सी होगी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन आएगा, क्योंकि दूसरा लिगेंड आएगा कूदता हुआ, पहले वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, PBP स्ट्रक्चर बनेगा इंटरमीडिएट यानी पेंटागनल बाइपिरामिडल, फिर वो अगले स्टेप में निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका देखते हैं हम मैकेनिज्म कैसे होता है एसोसिएटिव का। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ML5X ये N+- हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये Y आएगा, तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ML X और ये Y हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये आया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 5, 2, 7, तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि PBP स्ट्रक्चर होगा यानी पेंटागनल बाइपिरामिडल, एक ही पॉसिबिलिटी है, पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब ये जो एक्स माइनस है ये लीव कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ML5 आपका वाई बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात,
तो अब क्या होता है इसमें पीपीपी, बट इन जनरल अब ये तो हमारी थ्योरेटिकल करी कि भाई ये एनएसआर में क्या होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है, एसोसिएटिव। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इंटरचेंज। अब इंटरचेंज में क्या होता है फ्रेंड्स कि साइमल्टेनियस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंटरचेंज हो गया। अब क्या हुआ, ये तीन मैकेनिज्म हमने करी, तो अब एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुई कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो करती है, एसोसिएटिव इसलिए नहीं करती क्योंकि फ्रेंड्स एक तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ML6 6 लिगेंड आ रखे हैं। अब अगर आप एसोसिएटिव कराओगे तो 7th लिगेंड मतलब एक टाइप से स्ट्रेन हो जाएगा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं होगा, तो इस वजह से डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो करती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, इंटरचेंजेज। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, इट इज ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात पता लगती है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये तो बात होगी। अब क्या हुआ, इनका एविडेंसेस, अब क्या है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हुई, अब इसको एविडेंस मिले कि क्या क्या एविडेंस हुआ। तो पहला एविडेंस इसको मिला कि वाटर एक्सचेंज, कि वाटर एक्सचेंज हो रहा है। जैसे हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, मतलब जब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करता है तो वाटर एक्सचेंज का जो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होगा वो बहुत हाई हो जाता है। तो इन ऑक्टा इन स्पेशली एल्कली मेटल्स में बहुत 10^8 तक चले जाता है, जो कि बहुत मतलब बहुत हाईएस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीआईएसआर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने लास्ट लेक्चर में करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इसमें से तो आता ही है। अब इसमें से पूछता है कि वाटर एक्सचेंज, ठीक है फ्रेंड्स, वाटर एक्सचेंज मोर फास्ट हो गया। अब ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज की, ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज की एक मतलब सीरीज होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इजीली बता दूंगा, उसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि मतलब वो कैसे इजीली हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज की आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या होता है, वेनेडियम हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया और जिंक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और क्रोमियम कॉपर। तो क्या होता है, ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब स्टेबिलिटी है कि नंबर ऑफ वाटर एक्सचेंज किसमें याद हो गया, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ट्रिक देख लो, छोटी सी ट्रिक है कि वो नी फिर मुझसे जीत करवाएगी क्यों, कि वो नी फिर मुझसे जीत करवाएगी क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो का मतलब हो गया वेनेडियम, नी का मतलब हो गया निकल, वो नी फिर का मतलब हो गया आयरन, और मुझसे का मतलब हो गया मैग्नीज है, वो नी फिर मुझसे जीत, जीत का मतलब हो गया जिंक, ठीक है फ्रेंड्स। और करवाएगी मतलब कर का क्रोमियम हो गया, करवाएगी क्यों कॉपर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये +2 वाटर वाटर एक्सचेंज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली एक बात। अब जो थर्ड वाला होता है, अब ये तो +2 वाले का हो गया, अब ये +3 का है कि +3 में क्रोमियम, फिर लेस देन वेनेडियम, ठीक है, फिर लेस देन आयरन, फिर लास्ट में इज हायर देन टाइटेनियम। ओके फ्रेंड्स, ये तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है कि करवाओ फिर टीना से प्यार, मतलब कुछ भी जोड़ दो कि करवाओ, कर का मतलब क्रोमियम हो गया, कर वा 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 का मतलब हो गया वेनेडियम, करवाओ फिर का मतलब हो गया आयरन, करवाओ फिर टीना, टी आई का मतलब टाइटेनियम, मतलब टीना, टीना से प्यार, मतलब कुछ भी कह दो टीना से प्यार। तो ये +3 ऑक्सीडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो ट्रिक है मैंने आपको बता दी है कि वो नी फिर मुझसे जीत करवाई क्यों, +2 में इंक्रीजिंग ऑर्डर, और थर्ड में आपका हो गया करवाओ फिर टीना से प्यार, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एविडेंस मिला डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के एक वाटर एक्सचेंज। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ ली कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वाया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से होती है। अब इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की एसिड हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिसिस भी फॉलो करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपकी हाइड्रोलिसिस भी होती है। अब ये हाइड्रोलिसिस दो टाइप से होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। हाँ तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, वो दो टाइप्स होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। तो अब हम एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक कोबाल्ट का मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है CONH3 का होल 5X +2,
ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात, एसिड हाइड्रोलिसिस को ही एक्वा हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक्वा क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर अटैक करता है, ठीक है फ्रेंड्स, H2O जाकर अटैक करता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, CONH3 का होल 5X प्लस 2+ हो गया, प्लस वाटर आया, मतलब एसिड है तो HIN तो हो गई, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट अटैक कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स, और X लीव कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेट, रेट क्या है, रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, के ये क्या हो गया कि रेट कांस्टेंट हो गया एसिड का, ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट इनटू ये स्कोबाल्ट का CONH3 का होल 5X+2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स हो जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्योंकि केवल ये इसी पर ही, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एसिड हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। तो क्या है, दो तीन फैक्टर इफेक्ट, तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं। क्या है, पहला नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि जितना अच्छा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, वो आपको पता ही है, कॉन्जुगेट ऐसे एसिड बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या ऑर्डर होगा, COF का लेस होगा, फिर इस ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, CO 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 और सिंगल बॉन्ड F का सबसे कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। COCl का उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, COBr का सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, फिर उससे COI का हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा COI। अगर COI है तो वो सबसे अच्छा लीव करेगा और उतनी ही अच्छी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड फैक्टर आता है चार्ज का इफेक्ट, कि जितना अच्छा चार्ज होगा तो उतना ही अच्छा, मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतनी अच्छी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि आपका इफेक्ट ऑफ चिलेशन, कि जितना अच्छा चिलेशन हो रहा है, चिलेशन तो आप समझते ही हो किसी रिंग का बनना, तो जितना अच्छा चिलेशन होगा तो उतना अच्छा मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। अब चिलेशन का देखते हैं हम, तो इफेक्ट ऑफ चिलेशन क्या हो रहा है फ्रेंड्स। पहले मैंने पहली रिएक्शन मैंने लिखी है CONH3 का होल 5 Cl2+, मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, पहला पहला स्टेप स्लो ही होगा, तो ये Cl निकलेगा, ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा Cl। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये स्मॉल इंटरमीडिएट है, तो स्मॉल इंटरमीडिएट अट्रैक्ट करेगा मोर लिगेंड्स को, विल अट्रैक्ट मोर लिगेंड्स को, तो ये स्टेबल हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी के कंपैरिजन में अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप में वाटर कूदता हुआ आएगा तो वो अटैक कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स, अगला लिगेंड आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब मैंने सेकंड रिएक्शन लिखी है, इसमें इथाइलिन डायमीन, मतलब मैंने बाइडेंटेट लिया है CO कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन Cl2+। तो ये क्या होगा, पहला पहला स्टेप स्लो हो जाएगा, वो क्लोरीन निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, CO इथाइलिन EN का होल ट्वाइस 3+। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चिलेशन हो रहा है, तो चिलेशन होने से बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, वो बड़ा इंटरमीडिएट होगा, तो विल लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब लेस अट्रैक्ट करेगा, क्या होगा, लेस अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, रिएक्शन फर्स्ट इज फास्टर देन सेकेंड, तो रिएक्शन फर्स्ट फास्टर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड रिएक्शन से, तो ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी इस वाली रिएक्शन से। तो ये आता है इफेक्ट ऑफ चिलेशन, कि चिलेशन का इफेक्ट आया, तो यहाँ चिलेट बन जाएगा, तो अब जो इनकमिंग लिगेंड है वो इतनी जल्दी आना पसंद थोड़ी करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ी, तो एसिड हाइड्रोलिसिस तीन बातों के ऊपर डिपेंड करती है, कि आपका क्या होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या होता है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, सेकंड हो गया चार्ज इफेक्ट, और थर्ड हो गया इफेक्ट ऑफ चिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। अब सेकंड आती है बेस हाइड्रोलिसिस। अब क्वेश्चन यहां से भी आता है और यहां से भी आता है, कि बेस हाइड्रोलिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट और CSIR नेट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बेस हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मैंने सेम कंपाउंड लिया है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl पूरे का 2+। तो अब क्या हुआ, बेस हाइड्रोलिसिस में बेस ही आया होगा, OH- अब आया, तो OH- कूदता हुआ आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली फास्ट स्टेप है, तो फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, तो फास्ट में क्या होगा, OH क्या करेगा, अब आपको पता है OH- क्या लेता है, प्रोटोन लेता है और खुद वाटर बन के निकल लेता है, तो ये क्या होगा, ये NH3 का आपका प्रोटोन ले लेगा, तो NH2- हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो NH2- एक एक पॉजिटिव को कंज्यूम कर देगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4 NH2Cl और पूरे का होल प्लस, और वाटर भग लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला CONH3 का होल 4 NH2Cl पूरे का होल प्लस। अब अगला होगा स्लो स्टेप, स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स, Cl निकलेगा, ओके फ्रेंड्स। इस स्टेप में क्या हो गया, के क्या हो गया, इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, बेस हाइड्रोलिसिस का
मैंने बेस मतलब के भी लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, सी एल निकला तो सी ओ एन एस थ्री का होल फोर एन एस टू, फिर वो निकल गया यानी एक पॉजिटिव छोड़ दिया तो प्लस प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस टू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, सी ओ एन एस थ्री का होल फोर एन एस थ्री प्लस टू हो गया, तो वाटर आएगा। अब वाटर मतलब किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो कर ही रहे होंगे रिएक्शन, वाटर का हो गया। अब वो क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, अपना एच इसको दे देगा और खुद ओ एच बन के मतलब इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्या स्टेप होगा, ये फास्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, फास्ट होगा तो क्या होगा, तेजी के साथ क्या होगा, ये इस एन एस सॉरी ये यहाँ पे होगा एन एस टू, ठीक है फ्रेंड्स। ये एन एस टू होगा, इसको प्रोटोन दिया तो ये सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव बना, ठीक है फ्रेंड्स, और ओ एच हो गया और प्लस टू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं इसका रेट निकालने की कोशिश करता हूं तो रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, एन आयन हो गया। ओके फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कोई एसिड प्लस बेस रिएक्शन होती है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस वाले कॉम्प्लेक्स को कॉन्जुगेट बेस ले लिया, तो अगर मैं इसका रेट देखता हूं तो रेट क्या हो गया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रेंड्स की कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर, जो ये हो गया ना फ्रेंड्स, ये स्लो वाला रेट डिटरमाइन करेगा। तो ये रेट हो गया के बी इंटू सी बी, इसको इसको मैंने क्या मान लिया, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात, अब यहां पर ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं इसका इस वाली रिएक्शन का अगर मैं रेट निकालता हूं, अगर मैं इसका रेट निकालने की कोशिश करता हूं, रेट कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल के से मैंने डिनोट कराया फ्रेंड्स, तो स्मॉल के क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्जुगेट बेस इंटू एसिड इंटू वाटर अपॉन सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव इंटू ओ एच माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से मैं कॉन्जुगेट बेस की बेस निकालने की कोशिश करूंगा, तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और वाटर अपॉन नीचे चले जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको फर्स्ट वैल्यू देता हूं, ठीक हो गया फ्रेंड्स, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन देता हूं तो इस कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो रेट आ जाएगा हमारा, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू स्मॉल के, ठीक है फ्रेंड्स, सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव ओ एच माइनस अपॉन वाटर। तो अब फ्रेंड्स एक बात, अब अगर ये के और के अब दोनों रेट कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई करके एक अलग रेट कांस्टेंट बनाएंगे, तो मैंने उसको कैपिटल के लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेट क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू कैपिटल के इंटू सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव हो गया और सी एल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू ओ एच माइनस अपॉन वाटर है। अब आपको पता है वाटर सॉल्वेंट है तो उसकी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, 55.5, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एट लास्ट फाइनल इक्वेशन ये निकल गई हमारी, रेट इक्वल्स टू के, कोई कॉन्स्टेंट हो गया, रेट कॉन्स्टेंट, सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव सी एल इंटू ओ एच माइनस। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या हो गया, एक इस पर डिपेंड कर रही है एक इस पर, तो ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है बेस हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। और अगर इसके रेस्पेक्ट से अगर मैं ओ एच माइनस के रेस्पेक्ट से निकाल लूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, अगर इसके रेस्पेक्ट से इसको निकालता हूं तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और ओवरऑल रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगी, तो बेस हाइड्रोलिसिस फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा पोर्शन हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स, इससे सीएसआईआर नेट और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यहां तक आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, कोई नहीं बचा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स।